समय मेरा सैनिक कहा करता था कि आधे हृदय से मित्रता या शत्रुता दोनों गलत है। प्रोग्राम करो पूरे मन से करो, यहां बैठे हो पूरे मन से बैठो, झगड़ा करते हो पूरे मन से झगड़ा करो, लड़ाई करते हो पूरे मन से लड़ाई करो। आधे हृदय से मित्रता या शत्रुता दोनों गलत है, प्रेम हो या युद्ध हो भरपूर होना चाहिए। और हमारे इतनी ताली तो मुझे घर में बैठ के लोग सुना देते हैं जबरदस्त। और हिंदुस्तान के लोग, मैं तो ये मानता हूं कि हिंदुस्तान के लोग अगर सरहद पर खड़े होकर ताली बजा दे तो पाकिस्तान में विस्फोट हो जाए। तो ये क्या ताली हुई? मैं तो आता, मैं तो सरहद पर जाता हूँ और मैं सैनिकों को कहता हूँ कि इतनी जोर से ताली बजाओ कि उधर का सैनिक बोल के देखे क्या हो रहा है। और एक बार नहीं ऐसा, कितनी बार हुआ है, मैं हर साल सरहद पर जाता हूँ, बाघा बॉर्डर पर सुनाने जाता हूँ और पाकिस्तानी सैनिक खड़ा होकर उधर सुनता है। इसलिए मेरे दोस्तों ताली बजाओ तो पूरे मन से बजाओ। प्रेम हो या युद्ध हो भरपूर होना चाहिए। अगर हमें भरपूर युद्ध करने को दिया गया होता तो 48 में, 65 में, 71 में ये बात कभी खत्म हो चुकी होती, लेकिन हमारे हाथ बांध कर हमें लड़ने को कहा गया। तब मैं कहता हूं कि आधे हृदय से मित्रता या शत्रुता दोनों गलत है, प्रेम हो या युद्ध हो भरपूर होना चाहिए। या तो शत्रु शांति का सम्मान करना सीख ले, या तो उसका गर्व चखना चूर होना चाहिए, या तो उसका गर्व चखना चूर होना चाहिए। और मैं तो पाकिस्तान से कहता हूं खड़े होकर सरहद पर कि कर्जों में डूब करके करो लाख दिखावा, लेकिन कहीं भी कर्ज में इज्जत नहीं मिलती। वो दूसरे देशों से कर्ज लेकर हथियार खरीदता है। आपको चिंता होती होगी इस कैंपस में बैठकर, हमें चिंता नहीं होती। मैं तो कहता हूं उनसे कि कर्जों में डूब करके करो लाख दिखावा, लेकिन कहीं भी कर्ज में इज्जत नहीं मिलती। और चाहे किसी भी मुल्क से हथियार खरीदो, लेकिन किसी बाजार में हिम्मत नहीं मिलती, लेकिन किसी बाजार में हिम्मत नहीं मिलती। और इसे कहता हूं कि रक्त सड़कों पर बहा तो क्या बहा। नौजवान दोस्तों, हेलमेट लगाकर मोटरसाइकिल चलाया करो। किसी नौजवान का रक्त सड़क पर बह जाए कि हमारे देश के लिए कितनी बड़ी क्षति है। काश वो रक्त कहीं सड़क पर जाकर बहे इस देश की रक्षा। और इसलिए कहता हूं कि रक्त सड़कों पर बहा तो क्या बहा। दंगे होते हैं, हिंदू मुसलमान के लोग सड़कों पर मर जाते हैं। रक्त सड़कों पर बहा तो क्या बहा, रक्त वो जो कहीं सीमा पर बहे। धर्म जिसके रंग से लज्जित न हो और देश जिसके दान से जिंदा रहे। रक्त सड़कों पर बहा। मैं जब सरहद पर दुआ करता था, आप लोगों को भी ये अनुभव होगा, अक्सर पाकिस्तान की ओर से नमाज के बाद माइक पर ये बात कही जाती थी कि मीरा के भजन करने वाले लोग हैं, ये कबीर के गीत गाने वाले लोग हैं, ये दानक के गीत गाने वाले लोग हैं, गांधी की बात दोहराने वाले लोग हैं, ये हमसे क्या लड़ेंगे, ये तो भजन कीर्तन मंडली के लोग हैं। तब मैंने पाकिस्तान की सरहद पर खड़े होकर एक कविता सुनाई थी। ये कविता इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी बड़ी पसंद थी उनकी, आपके सामने कविता रखता हूं। मैंने वहां खड़े होकर कहा कि मत जाए केवल बंशी के तानों पर, हमको रण में शंख बजाना आता है। देश में कभी कृष्ण ने बांसुरी बजाई होगी, मथुरा छोड़ देने के बाद कभी भी कृष्ण ने बांसुरी को धारण नहीं किया। मथुरा छोड़ने के बाद कृष्ण ने या तो सुदर्शन को धारण किया या फिर पांचजन्य शंख को धारण किया, और पांचजन्य शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की थी। इसलिए कहता हूं कि मत जाओ केवल पंछी के तानों पर, हमको रण में शंख बजाना आता है। मौसम होते हैं कुछ रास रचाने के, और कभी तांडव के दिन भी आते हैं। कभी कंठ में पद होते हैं मीरा के, और कभी हम भूषण को भी गाते हैं। और दया प्राप्त कर दृष्टि अगर लूटे कोई, पृथ्वीराज शब्दों पर तीर चलाता है। मत जाओ केवल बंशी की तानों पर। आपको पता नहीं होगा,
नौजवानों, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने 21 बार परास्त करने के बाद, ये हमारी दरिया दिली है, हम इतने दरिया दिले कि अपने देश को बेच देते हैं। 21 बार उन्होंने मोहम्मद गौरी को छोड़ा था। मोहम्मद गौरी ने एक बार पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा था, उनकी आंखें नष्ट कर दी गई थी। और तब उनका मित्र कवि चंद्रवर राय, ये भारत की परंपरा है, उनका मित्र चंद्रवर राय ने कहा कि मेरा दोस्त अंधेरे में तीर मारना जाता है, महाराज आप देखना चाहते हो? मुगल बादशाह ने कहा हाँ मैं देखना चाहता हूँ। भरी सभा में पृथ्वीराज चौहान को लाया गया। पृथ्वीराज चौहान खड़े हुए और राजा के पीछे खड़े होकर चंद्रवर राय ने कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तेते पे सुल्तान है मत चूको चौहान। पूरी उसने वर्णना कर दी कि कितने दूर में कौन का बैठा है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तेते पे सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाई और बादशाह की मृत्यु हुई। ये देश है, अगर यहां राधा का काजल बहता है तो दुर्गा भी लेकर शस्त्र संभरती है, और अगर यहां सीता सब कुछ सह लेती है तो लक्ष्मी बाई रण में जा मरती है। जौहर की ज्वाला में जलना खेल नहीं, भारत का इतिहास यही बतलाता है। मत जाओ केवल बंशी की तामों पर, अंकुरण में शंख बजाना जाता है। आजादी के बाद कई पल आए हैं जब दुश्मन ने हमसे किया छलावा है, एक दूसरे से पहले हम पहुंचे हैं, जब सरहद ने हमको दिया बुलावा है। ऐसे में जब वीर सिपाही चलते हैं, बच्चा बच्चा गीत वतन के गाता है। मत जाओ केवल बंशी की तानों पर, हमको रणे शंख बजाना आता है। भगत सिंह अश्वाकुला की धरती है। अश्वाकुला को फांसी लगने वाली थी। अश्वाकुला अपने कमरे में कैद में चुपचाप बैठा हुआ, तो दोस्तों ने पूछा क्यों अश्वाक, मृत्यु से डर गए तुम, क्या चुपचाप बैठे हो? अश्वाक ने कहा मैं मुसलमान हूं, मृत्यु से डर जाऊं। दोस्तों ने पूछा तो इस तरह निराश क्यों बैठे हो? अश्वाक ने कहा दोस्त तुम हिंदू हो, तुम ये प्रार्थना कर सकते हो कि ईश्वर मुझे फिर से एक जिंदगी देना इस पतन पर परिणाम होने के लिए। मैं मुसलमान हूं, मैं ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकता, इसलिए दुखद कह रहा हूं। काश मैं भी कह सकता, मुझे एक और जिंदगी अता करना इस मुल्क पर फना होने से। कौन से कौन करता है? भगत सिंह अश्वाकुला की धरती है, यहां जवानी फांसी चढ़ मुस्काती है, खून खौलता है स्वार्थ की बातों से, गोली के आगे छाती तन जाती है। सात समंदर पार भले ही दुश्मन हो, उधम सिंह जाकर के शपथ निभाता है। मर जाओ केवल बंशी की तानों पर, अंकुर ने शंख हो। लेकिन ये देश जहां श्री कृष्ण ने किसी दिन कहा था उत्तिष्ठ कौंके युद्धाय कृत निश्चय, कौंके उठो अगर युद्ध निश्चित है तो युद्ध करो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता तुम्हारे सामने कौन खड़ा। उस देश में ये बार बार के हमले, क्या ऐसे ही सहते जाओगे? कोई भी आता है मारकर चला जाता है, कोई भी आता है गाली देकर चला जाता है, हम जो क्या बैठे सही शून्यता टॉलरेंस, आजकल तो इंटॉलरेंस की एक नई डिबेट निकल पड़ी है। इस देश में देश के लिए कुछ भी करो सब इंटॉलरेंस है। टीवी कब तक चलेगा? कब तक कोई आकर हमें मारकर जाता रहेगा? ये कविता मैंने लाल किले से प्रधानमंत्री के सामने सुनाई थी, आपके सामने सुनाता हूं। शायद इसके बाद ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई हो, किसको पता। मैंने कहा था कि ये बार बार के हमले का ऐसे ही सहते जाओगे? क्या कभी शत्रु की चारों का प्रतिकार नहीं कर पाओगे? पानी का फिर नहीं सकते उनके नापाक इरादों पर? क्या यूं बैठे रह जाओगे कुछ आश्वासन कुछ वादों पर? तुम नहीं किसी से भी कम हो, पर कल लड़ने में हिम्मत में अपने अंदर के गुस्से को तब्दील करो अब ताकत में। जो कर रहे हैं तुम पर उनसे उम्मीद लगाते क्यों? क्यों भेज रहे अपनी मांगे, वो अपने को फरमाते क्यों? एक चिट्ठी भेजते हैं साथ, आप यहाँ पर ये आतंकवादी बैठा हुआ है हमें वापस कर दो। भीख मांगने से आतंकी वापस नहीं मिलता है, आतंकी को वापस लाने के लिए ताकत पैदा करनी पड़ती है, उसे घर में घुसकर उसे गर्दन को पकड़ के उसे खींच कर लाना पड़ता है। ये बार बार के हमले का ऐसे ही सहते जाओगे? क्या कभी शत्रु के चारों का प्रतिकार नहीं कर पाओगे?
पानी का फेर नहीं सकते उनके नापाक तिरागों पर? क्या यूं बैठे रह जाओगे कुछ आश्वासन कुछ लाभों पर? तुम नहीं किसी से भी कम हो, बढ़कर लड़ने में हिम्मत में, अपने अंदर के गुस्से को तब्दील करो ताकत में। जो कर रहे हैं तुम पर, उनसे उम्मीद लगाते क्यों? क्यों भेज रहे हैं अपनी मांगे, वो अपने को फरमाते क्यों? खुशबू की भीख मांगते हो तो गंदे सड़ते नालों से, अमृत की आशा करते हो तो जहर बेचने वालों से, अंधकार से सूरज का क्यों पता पूछने जाते हो? हर बार यूं ही धोखा खाते, हर बार यूं ही पछताते। इन कठिन कटीली राहों पर बुझ बुझ कर चलना ठीक नहीं, और स्वभाव मोम का लेकर अंगारों पर चलना ठीक नहीं। बिजली को अगर बांधना हो, रेशम की डोर हटाओगे, पर्वत को अगर तोड़ना हो, खुद को पाषाण बनाओगे, ममता की शीतल छां छोड़ अपने को लोहे में ढालो, भर लो औलाद शिराओं में, बाहों को वज्र बना डालो, सागर की चौड़ी छाती पर पौरुष की नाव चलाओ तुम, दुश्मन की सारी राहों में बढ़कर बारूद बिछाओ तुम। वे कायर हैं, अपराधी हैं, छिपकर बंदूक चलाते हैं, वे अमन चैन के दुश्मन हैं, रिश्ते घायल कर जाते हैं। जो बेकसूर को मार रहे, अब उन्हें पड़ेगा ही मरना। आतंक अगर है धर्म नया, है धर्म इसे दंडित करना। जो हाथ तुम्हारी ओर उठे तो रो उन हाथों को पढ़कर, जो पांव तुम्हारी ओर बढ़े वो लौट नहीं पाए चलकर, जो बुरी नजर डाले तुम पर उन आंखों को बेकार करो, अगर तुम्हें चुनौती दे कोई बढ़कर उसको स्वीकार करो। सीमा के पार घुस आए भेजो दुनिया के पार उन्हें, जो जिस व्यवहार के काबिल हो दिखलाओ वो व्यवहार उन्हें। खूंखार भेड़ियों को ममता के मंत्र सिखाना बंद करो, हत्यारों को दया क्षमा और प्यार दिखाना बंद करो। जहरीले सांप कभी करुणा की बात नहीं सुन पाते हैं, वो तभी मानते जब उनके कुछ दांत उखाड़े जाते हैं। जहरीले सांप कभी करुणा की बात नहीं सुन पाते हैं, वो तभी मानते जब उनके कुछ दांत उखाड़े जाते हैं। जब स्वाभिमान पर चोट लगे तब क्रोध जरूरी होता है, जब मर्यादा तोड़े कोई प्रतिशोध जरूरी होता है। तुम नहीं अगर अभी जागे, जन्मे कायर कहलाओगे, इतिहास तुम्हें दोषी कह दे, तुम यह कैसे सह पाओगे? सिर ऊंचा कर जीना सीखो, सिर झुका झुका कर क्या जीना, भरकर हुंकार उठो वैसे भग जाए पर्वत का सीना। औरों की राह निहारो मत, अपने बल पर विश्वास करो, दुश्मन के दल पर टूट पड़ो, गिन गिन कर उनका नाश करो। अब शपथ उठाओ पौरुष को, तुम और नहीं सोने दोगे। अब शपथ उठाओ भारत का अपमान नहीं होने दोगे। अब शपथ उठाओ। लेकिन इस देश में तो सैनिकों का अपमान होने लगा, अवस्था यहां तक आ गई। एक सेनानिवृत्त सैनिक को अपनी जिंदगी चलाने के लिए आंख उठाकर देखना पड़ता है, इससे बड़ी दुर्दशा नहीं हो सकती देश में। जिस दिन एक सैनिक को आंख उठाकर देखना पड़ जाए कुछ मांगने के लिए, और जिस दिन एक सैनिक की पत्नी को हाथ पैलाना पड़ जाए, आप सोच लेना उस दिन भारत मर गया, उस दिन भारत जिंदा नहीं है। और मैं चाहता हूं कि भारत ना मरे, कि जिंदा रहे भारत। इसलिए मैं गांव गांव शहर शहर देश देश घूम घूम कर ये बातें करता हूं कि मेरा देश जिंदा रहे। और देश तब जिंदा रहता है जब वो हर किसी के दिल में जिंदा रहता है, आपके दिल में जिंदा रहता है। मेरा सैनिक पहाड़ों पर पड़ा है, घर से पत्नी की चिट्ठी आती है कि घर वापस आओ, बच्चे तुम्हें देखना चाहते हैं। वहां से चिट्ठी लिखता है वो कि मैं नहीं आ सकता। एक सैनिक की पत्नी ने मुझे चिट्ठी लाकर दी थी, दिखाई थी। सैनिक ने अपनी भाषा में लिखा था मैं क्यों नहीं आ सकता। मैंने उसे कविता के शब्द में लिखा है। सैनिक कहता है तो क्यों नहीं आ सकता, लिखता है, सुनिएगा, उसके दर्द से जुड़िएगा। आप उड़ीसा में अपने घरों में अपने छतों के नीचे रात को चैन की नींद सोते हुए, खासकर नौजवान बच्चों, आप सोच ही नहीं सकते हो एक सैनिक की जिंदगी में क्या क्या मजबूरियां और क्या क्या मुश्किलें होती हैं। वहां बैठे लिखता है वो कि सोच रहा हूं मैं तुम्हें क्या बात लिखूं, लंबे दिन याद अपनी सुनी रहा। इस सैनिक का दर्द है, जुड़ेगा इस दर्द के साथ। अपनी पत्नी को चिट्ठी में लिखता है, सोच रहा हूं मैं तुम्हें क्या बात लिखूं,
लंबे दिन या अपनी सुनी रात देखो, आंखों के आगे फैली है सीमाएं, गंध लिए बारूद पड़ी है पांव में, तैर रही खामोश फजा में कुछ चीखें, लगता है फिर खून बहा है गांव में, रह रहकर अंगार उगलती बंदूकें, आग लगी है केसर की हर क्यारी में, दूर दूर तक फसल उगी है नफरत की, हर सपना है मरने की तैयारी में, बर्बादी की ये तो कुछ तस्वीरें हैं, किन शब्दों में ये बिगड़े हालात लिखूं, सोच रहा हूं उम्मीद में आज जवानी है तो धनुष कैसे दे, मैं चाहता हूं कि मैं आऊं और तुम्हारा हाथ पकड़ कर घूमने जाऊं और बारिश में भीगते हुए तुम्हें इंद्रधनुष दिखाऊं, फिर मैं कैसे वापस आऊं। आज जवानी इंद्रधनुष कैसे देखे, घाटी में संकट के बादल छाए हैं, कुछ रहस्य कुछ मानवता के हत्यारे छिप छिप कर आतंक मचाने आए हैं, सिसक रही है सदियों की रिश्तेदारी, खून बह रहा है आने चौबारों में, पुरखों का अपमान हो रहा सड़कों पर, लोग मर रहे हैं खेतों बाजारों में, सूनी सूनी आंखों में जो दिखते हैं, कैसे तुमको वो जख्मी जज्बात दिया, सोच रहा हूं उम्मीद में क्या आती है, और चीरवनों में दहशत है सन्नाटा है, आज चनारों की रंगत मुरझाई है, झील उदासी के सागर में डूबी है, आज शिकारों में खामोशी छाई है, झेलम के तट जाने क्या क्या देख रहे, झुलस गई अपनी फूलों की शहजादी, जिसे जमी का स्वर्ग यहां सब कहते थे, उस वादी की यह कैसी है बर्बादी, काश नील चुपचाप सभी कुछ देख रहा, कैसे उसके सीने के आघात लिखूं, सोच रहा हूं उम्मीद, और अभी अभी वो शांत पड़ी गोलीबारी, ऐसे में जब पत्थर तो भर आया, मैं जब कश्मीर में हुआ करता था मोबाइल से ही हुआ करती थी, आज के दिन की अक्सर मोबाइल बंद कर दिया, छह छह महीने तक रास्ते बंद हो जाते हैं, घर से चिट्ठियां नहीं आती, हेलीकॉप्टर आया तो चिट्ठियां लाए नहीं तो चिट्ठियां नहीं आती हैं, ऐसे में जब उनको चिट्ठी मिलती है लिखता है वो कि अभी अभी कुछ शांत पड़ी गोली मारी, ऐसे में यह पत्र तुम्हारा आया है, कितनी धड़कन कितने आंसू सांस लिए, कोमल संबंधों की खुशबू लाया है, माँ की थपकी बाबा के आशीष कही, इसमें अपने बच्चों की किलकारी है, और वे घड़ियां जो राह देखते बीत गईं, इसमें उनकी मजबूरी लाचारी है, आंसू आंखों की बातें हैं, आंखें पड़ती हैं, आंखों को या आंखों की बस हाथ लिखो, सोच रहा हूं उम्मीद में यादों में आंचल लभी लहरा जाता, यादों में वो काजल लभी बहता है, जो मैं घर छोड़कर आ रहा था गांव में, तुम दरवाजे के पीछे खड़ी होकर रो पड़ी थी और अपने आंचल से अपनी आंखों को पोंछा था, तुम्हारा काजल बह निकला था, मैं वो दृश्य कभी नहीं भूल पाता, यादों में आंचल अभी लहरा जाता, यादों में वो काजल अभी बहता है, यादों में आकार उभरते हैं कितने, घर का हर कोना यादों में रहता है, शाम ढले जब सो जाती है परछाई, बालों को उंगली अभी छू जाती है, पास चली आती है बेटी की रातें, यादों में हर बात पुरानी आती है, लिख दूं तुमको रेशम सी कोमल घड़ियां, उड़ती खुशबू जाती झड़ते पात लिखूं, सोच रहा हूं नींद में क्या बात, और इतना पहलाने के बाद अब लिखता है कि मैं क्यों नहीं आ सकता, कहता है कि वापस आकर काम बहुत से करने हैं, रिश्तों का भी फर्ज निभाना, मैं जानता हूं घर में बूढ़ी मां है, बाबा है, बच्चों को स्कूल में दाखिला कराना है, एक खलिहान है, मैं क्या करूं कैसे आऊं, वापस आकर काम बहुत से करने हैं, रिश्तों का भी फर्ज निभाना बाकी है, पर उससे भी बढ़कर अपने जीवन में इस माटी का पेस्ट चुकाना बाकी है, और सोचो सब अपनी खुशियों की सोचेंगे, इस माटी का कर्ज चुकाना बाकी है, और सोचो सब अपनी खुशियों की सोचेंगे, तो भारत की पीड़ा कौन मिटाएगा, और सब बैठेंगे घर की चार दीवारी में, तो सरहद पे मस्तक कौन चढ़ाएगा, ऑफिस आकर काम हो से करते हैं, किसी घर पे काम नहीं है साहब, हमें भी चाहिए, मैंने अपने, मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूं कि मैंने अपने बच्चों की अधिकांश बर्थडे साथ में नहीं मनाई है, मैंने अपने घर की शादियों में हिस्सा नहीं लिया, मैं झूठ नहीं कहता, मेरे रिश्तेदार यहां बैठे हुए इस बात को गवाही देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम से हम गए रहते हैं,
वापस आकर काम मुझसे करते हैं। रिश्तों का भी फर्ज निभाना बाकी है और उससे भी बढ़कर अपने जीवन में इस माटी का कष्ट चुकाना बाकी है। और सोचो सब अपनी खुशियों की सोचेंगे, वो भारत की पीड़ा कौन मिटाएगा। सब बैठेंगे घर की चार दीवारी में, वो सरहद पे मस्तक कौन चढ़ाएगा। शिकन पड़ी है आज वतन के माथे पर, ऐसे में क्या सपनों की बारात लिखो। सोच रहा हूँ और अंत में लिखता है कि अपनी माँ के बेटे तो सब होते हैं, कौन ऐसा है इंसान जो बिना माँ के पैदा हुआ हो। कौन ऐसा है जिसकी माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा या उसकी बेटी राम ढले घर को चला रहे। कौन माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा या उसकी बेटी किसी भी खतरे से रूबरू ना हो। लेकिन एक सैनिक को जब उसकी अपनी असली माँ पुकारती है ना, जिसे भारत माँ कहा जाता है, तो अपने घर की माँ बड़ी छोटी बन जाती है। वो छोटी बन जाती है अपनी माँ, क्योंकि हमारे लिए एक और भी माँ है जो हमारी ओर दृष्टि लगा के देखती है। कृष्ण कोई नहीं आने वाला द्रौपदी की लाल बचाने के लिए। आज अगर इस माँ की लाल बचानी है तो सैनिकों को बचानी है, कोई कृष्ण नहीं आने वाला। अपनी माँ के बेटे तो सब होते हैं, हम धरती के बेटे हैं तैनात यहाँ। अपने हक की बातें तो सब करते हैं, भारत माता की होती है बात यहाँ। कुछ तो है जो हमें खींच कर लाई है, हम स्वेच्छा से प्राण उठाने आए हैं। साथ हमारे यह नन्हा सा जीवन है, हंसते हंसते भेंट चढ़ाने आए हैं और शपथ उठाई है कर्तव्य निभाने की। इस माटी को प्राणों की सौगात लिखूं, सोच रहा हूं मैं क्या। चिट्ठियों का इंतजार तो होता है, और जब चिट्ठियों का इंतजार होता है तो मेरे सैनिकों की आवाज में फिर से आवाज मिलाते हैं संग्राम और जश्न का संदेश है।